ये देखिए होटलों वाली आलू और शिमला की सब्जी बनके तैयार है। इस रेसिपी के लिए हमने दो मीडियम साइज़ का आलू लिया है, एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च और दो टमाटर और कुछ हरी धनिया और दो से तीन हरी मिर्च। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें लगभग दो मीडियम साइज़ के चम्मच से तेल डालेंगे और उसमें जो है हम खड़ा जीरा डालेंगे लगभग एक छोटी चम्मच और दो से तीन हरी मिर्च को डाल के हम इसमें साथ ही आलू डाल देंगे। इसमें सबसे पहले हम आलू को पकाएंगे और शिमला मिर्च को हम लास्ट में डालेंगे। आलू हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा लगभग 70-80% आलू पकना जाए। लगभग आलू पक जाएगा तभी हम शिमला को डालेंगे। तो आलू को डाल के हमने कवर करके इसे पकाया है। तो फिर इसका ढक्कन हटा के हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए हमारा आलू धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं। तो फिर से हमने कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ा है। आप इसे बीच बीच में कवर करके इसे पकाते रहें। दो से तीन बार हमने कवर करके पकाया है। तो ये देखिए हमारा आलू जो है पक के कुछ ब्राउन सा कलर इसमें आ गया है। तो अब हम इसे कवर नहीं करेंगे। तो हमारा ये आलू लगभग 70-80% पक गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को हम इसी स्टेज पे डालेंगे ताकि हमारा जो शिमला मिर्च का जो फ्लेवर है, स्वाद है, वो बहुत लंबे स्वाद तक रहे। नहीं तो पहले डालने से क्या है ना, हमारा शिमला मिर्च बिल्कुल ज़्यादा पक जाएगा तो फिर उसका शिमला मिर्च वाली वो जो फ्लेवर आती है वो नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारा शिमला मिर्च भी ये सॉफ्ट हो रहा है। तो इसे हम एक से दो बार और ढक के पका लेंगे। शिमला मिर्च को आप एक से दो बार ढकेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया ये पक जाएगा। तो हमने फिर से यहाँ पे ढक दिया है। तो ये देखिए हमारा शिमला मिर्च भी अब फाइनली पक गया है। तो ये देखिए, तो इस स्टेज पे हम अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर हमने दो मीडियम साइज कर लिया है। टमाटर को आप डालेंगे ना इस रेसिपी में तो बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आने वाला है। तो इस प्रकार से हमने टमाटर डाल के इसे अच्छे से मिला के एक बार इसे हम कवर करके, इसे हम ज़्यादा देर तक कवर नहीं करेंगे टमाटर डालने के बाद। और इसी स्टेज में हम थोड़ी सी अदरक इसमें डालेंगे। अदरक हमने लगभग आधे इंच के आसपास का टुकड़ा लिया था। तो अदरक डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसी स्टेज पे हम मसाला भी ऐड कर लेंगे। मसाले में हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीनों हमने एक एक चम्मच इस्तेमाल किया है। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से फाइनली मिल गया है ये मसाला, और मसाला भी लगभग हमारा ये भुन गया है। तो अब हम इस स्टेज पे हरी धनिया डाल के इसे मिला लेंगे। अब मसाले को लगभग बगैर कवर किए इसे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया है ना आलू शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तो है ना कितनी लाजवाब आलू और शिमला मिर्च की ये रेसिपी। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।